चलिए दोस्तों, अब मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने वीडियो में, अपनी क्लास में यानी कि टीच वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपना ख़त्म किया था कि लेखक यानी नारायण बिलोचन शर्मा जी के बारे में बता के, और मैंने कहा था चलिए आगे पाठ पे चलते हैं। तो हम पाठ पे आ जाते हैं। पाठ पे पहले मैंने पाठ के बारे में नहीं, प्रमुख किरदार जो इसमें होने वाले घटनाएँ हैं, जिनके इर्द गिर्द घटनाएँ घटती हैं, वो सब किरदार पहले इतना अपने बारे में जान लेते हैं। खोखा, पाठ में खोखा को बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का, मतलब सबसे उलझने वाला, किसी की बात नहीं मानने वाला, इसके लिए घर के नियम सब कुछ चेंज होने वाले, इसमें तोड़फोड़ करने की आदत, सब कुछ बताया गया, मतलब बदमाश दिखाया गया है इसको पूरा एकदम। लेकिन इसी के इर्द गिर्द मेन नायक कहानी का यही हुआ, और उसकी बहन, उसकी 5 बहनें थी जो कि एकदम शांत सुशील इससे ठीक उलट थी। वो माँ बाप की कठपुतलियाँ थीं, उनको क्या करना है ये नहीं, क्या नहीं करना है ये ज़्यादा बताया गया था उनको। वो इतने शांत थी कि मोहल्ले के अधिकतर लोग उनकी तारीफ करते थे, उनकी मिसाल देते थे। सेन दंपति वैसे तो सब जानते हैं, सेन दंपति मतलब पति पत्नी। सेन दंपति जो है मेन है कि खोखा के माता पिता हैं, वही खोखा आगे भविष्य में क्या बनेगा इसके अनुसार उसकी पढ़ाई करवाना चाहते हैं। मगर गिरधरलाल का बेटा है, परंतु वह खोखा के जितनी अपना भी, वो भी एक बच्चा है, उसको भी सोच होता होगा कि अपने कि दूसरा बच्चा मेरा वहाँ है, दूसरा दोस्त तो हम भी वहाँ जाए। तो उसी कारण मदन एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य किरदार है। गिरधरलाल किरानी है किनके, सेन दंपति के फैक्ट्री में। सोफर किनका ड्राइवर है, सेन दंपति का, सेन साहब के मित्र पत्रकार महोदय जो कि इनके दूर के रिश्तेदार भी थे। सिंह साहब जिनका टायर खोखा ने पंचर किया था। मुखर्जी जो कि पत्रकार महोदय के साथ बाद में चले जाते हैं सही सलामत कार रहने के कारण।